हाय दोस्तों, मेरा नाम बलविंदर है। आज हम पढ़ेंगे HTML के बारे में। HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हमें मदद करता है अपने वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में। जो हम लोग वेब पेजेस देखते हैं इंटरनेट पे, गूगल, याहू या कोई भी वेब पेज आप खोलते हो, जो उसका जो डिज़ाइनिंग आपको डिस्प्ले हो रही है ब्राउजर के ऊपर, वो सारे के सारी HTML के थ्रू ही हो रही होती है। और HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अंतर क्या होता है कि वो एक्शन, जो कोई भी चीज़ पे एक्शन हो रहा होता है, वो पीछे से जो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करती है। HTML का काम है उसको डिस्प्ले करना हमारे ब्राउजर के ऊपर, कोई भी कंटेंट या कुछ भी हम देखते हैं, वो सारे का सारा HTML और CSS के थ्रू ही डिस्प्ले हो रहा होता है। और HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो HTML का टैग आप ये देख रहे हो, HTML ये स्टार्ट टैग है और ये HTML के डॉक्यूमेंट का एंड टैग है। हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये HTML से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में HTML में ही बंद हो रहा है। इसके अंदर हमारा जो भी HTML का कोड लिखा जाएगा, जो भी हमारा सेक्शन बनेंगे, वो सारे के सारे इस HTML के डॉक्यूमेंट के स्टार्ट और एंड के अंदर ही बनेंगे। इसके अंदर हम इसको दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, हेड और बॉडी। ये हेड है, ये हमारा इनविजिबल सेक्शन रहता है। जो भी ब्राउजर या सर्च इंजन या कोई भी थर्ड पार्टी लिंक हमको अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आना है, या कोई डाटा हमको कहीं पे भेजना है, वो सारे का सारा हेड के अंदर रहता है। और जो कंटेंट हम लोग देख रहे होते हैं वेबसाइट का ब्राउजर के ऊपर, वो सारे का सारा बॉडी पार्ट के अंदर आता है। और ऐसे ही ये हमारा पूरे का पूरा HTML डॉक्यूमेंट का काम करता है। अभी HTML के टैग, HTML में बहुत बहुत तरह के टैग हम लोग सीखेंगे इस ट्रेनिंग के दौरान। मैं अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे ये टैग नेम है, आप देख सकते हो, ये ग्रेटर देन और लेस देन के दो ब्रैकेट्स, इनके अंदर हमारे सारे के सारे टैग लिखे जाएंगे। और जो इन टैग के बीच में जाएगा, वो हमारा वेबसाइट का कॉन्टेंट होगा, जो भी हमको डिस्प्ले करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। और इन टैग के ऊपर हम लोग बहुत सारे CSS के फॉर्मेट अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। आप देख सकते हो एग्जांपल में, यहाँ पे एक एग्जांपल में है। ये सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन किया है कि ये डॉक्यूमेंट HTML का है, तो उसके बाद HTML का टैग स्टार्ट किया और लास्ट में जाके हम लोगों ने यहाँ पे HTML का टैग बंद कर दिया। उसके बाद हेड का टैग स्टार्ट हुआ और हेड का टैग यहाँ पे आके बंद हो गया। ये जो पेज टाइटल है, ये हमें जो विंडोज के सबसे ऊपर में दिखाई देता है, ये वो वाला हम यहाँ पे अपने पेज का टाइटल दे सकते हैं। और ये जो बॉडी सेक्शन है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके बंद हो गया। हमारा जो भी कंटेंट हमें ब्राउजर के अंदर दिखाई देता है, वो सारा इसी के थ्रू आता है। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ये टैग हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है और यहाँ पे हमने इसको बंद किया है। लेकिन ये BR का टैग है, ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल वर्ड और एक्सेल या किसी भी चीज में टाइप करते हैं, हम लोग एंटर करके एक से दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये BR का टैग यूज करके एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना होता है। और इस टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अगर आप कोई भी दूसरा टैग यूज कर रहे हो, टाइटल है, बॉडी है, पैराग्राफ टैग है, वो सारे के सारे हम लोगों को एंड में क्लोज करने पड़ते हैं। और ये क्लोज होते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ये स्टार्ट टैग है और ये फॉरवर्ड स्लैश और टैग का नाम और ये ब्रैकेट और ये एंड हो गया उसका। अभी HTML के बेसिक टैग आप देख लो, ये HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बंद हो रहा है। और ये बॉडी का टैग है, हेडिंग का टैग है और पैराग्राफ का टैग है। ये सभी टैग हम लोगों को स्टार्ट करने के बाद बंद करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉडी टैग जो भी हमें ब्राउजर पे इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, स्ट्रक्चर जो भी वेबसाइट का दिखाई है, वो सारे का सारा बॉडी के अंदर ही होता है। और ये हेडिंग, पैराग्राफ, ये सारे के सारे टैग इसके अंदर में ही अप्लाई होते हैं। HTML का कोड कहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग? ये सबसे आसान है कि हम लोग विंडोज के अंदर नोटपैड है, उसके अंदर भी लिख सकते हैं। और एक फ्री कोड एडिटर है Notepad++, इसके अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा फ्री एडिटर है ब्रैकेट, इसके अंदर भी हम लोग HTML का कोड लिख सकते हैं। और इसमें इसको लिखने के लिए आप जैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC के ऊपर। हम लोग नेक्स्ट में इस वीडियो में मैंने डाउनलोड लिंक डाल दूंगा। ये मैं इस कोर्स में यूज करूंगा Notepad++।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोड नोट पैड प्लस प्लस को कहाँ से डाउनलोड करें और उसको कैसे इंस्टॉल करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।